एवरीवन, आज हम आए हुए हैं मुक्तेश्वर। स्टार्टिंग में जर्नी कैप्चर नहीं हुई आज, क्योंकि टैक्सी थोड़ा देर से आई थी तो हम लोगों को निकलना पड़ा। बट इट्स अ सरप्राइज कि हम मुक्तेश्वर पहुंच के आज ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मुक्तेश्वर हल्द्वानी से करीब 70 किलोमीटर दूर था, हमें 78 किलोमीटर्स पड़ा घर से, और काफ़ी 2 घंटे से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा लगा होगा हमें आने में। और ये हम ज़ीरो पॉइंट पे आए हैं और यहाँ पे हम KMVN के गेस्ट हाउस पे खड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम कुछ रिज़ॉर्ट बुक करें, हम लोगों ने सोचा कि ज़ीरो पॉइंट पे थोड़ा साइट सीइंग कर लेते हैं। एक और फैमिली हम लोगों को मिलने वाली है, तो जब वो लोग आएंगे तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। बट फॉर यू दिस इज़ मुक्तेश्वर, द फेमस ज़ीरो पॉइंट। ये कॉटेज हैं KMVN के जो ऑलरेडी बुक्ड हैं, बट ये देखिए कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, कॉनिफरस ट्रीज। काफ़ी धूप थी सुबह, बट अभी बादल से दिखाई दे रहे हैं। बट नीचे आप देख सकते हैं हिमालय श्रृंखला, और वहाँ कहीं पे धूप है, कहीं पे छाया है। बहुत ही मोहक दृश्य है। पहाड़ों में जाके इसी तरह के दृश्य नज़र आते हैं, बट ये जगह इसके लिए काफ़ी फेमस है। और ऐसा कुछ दिखाई देता है, त्रिशूल दिखाई देता है यहाँ से, नंदा देवी और पंचाचुली, ये सब यहाँ से दिखाई देता है। इस समय बादल लगे हुए हैं तो थोड़ा विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट देखते हैं अगर कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स आएंगे तो वो भी शेयर करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो अभी बादल थे और अभी थोड़े थोड़े बादल हट रहे हैं, तो पीछे आप हिमालयन रेंज देख सकते हैं। बहुत कम दिखाई दे रहा है अभी, और अगर बादल और हटेंगे तो शायद और अच्छा होगा, या फिर और बादल आ जाएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट ये मैंने ज़ूम किया और अभी आप देख सकते हैं इस तरफ भी, तो यही रेंज है और बादल जब हटेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगी। तो मुक्तेश्वर में हमारा फर्स्ट एंड ओनली आउटिंग। सामने लोग, काफी अच्छा हो रहा है, मौसम यहाँ बहुत सुहावना है, तो अब हम मुक्तेश्वर धाम आ गए हैं। मुक्तेश्वर धाम, ये लोकल ब्लॉगर हैं और ये भी कुछ ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी। ये देखिए, और घंटी बज गई है टेंपल की। कुछ कुछ वाहन भी आ रहे हैं, नीचे एक दो गेस्ट हाउस थे तो लोग। जय मुक्तेश्वर धाम की, आइए मंदिर की ओर जाएंगे हम लोग। ये बच्चे घंटी बजा रहे हैं, देखिए घंटी बजाते हुए। आइए, जय हो।
थोड़ी चढ़ाई है, देखते हैं कितने स्टेप्स हैं। बारिश हुई है सो काफ़ी हरियाली और पानी भी जगह जगह पर। बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी मिलेगी। इसको गोदी पकड़ लो यार, अभी थोड़ी देर। अरे गोदी आ रही नहीं? हाँ गोदी नहीं, क्या करूँ? तो फिर इसको तुम पकड़ो, डाल ले यार। तुम बड़े खराब हो गए तुमसे। और ये आपको दिखाते हैं लीला स्मृति है। यहाँ पर काफी पुराना एकदम टेंपल बना हुआ है, काफी देवी देवताओं के मूर्तियां स्थापित की गई है यहाँ पर, आप देखेंगे। तो ये तो मुक्तेश्वर धाम की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी चढ़ाई है, सांस फूली हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। बट मंदिर भी पास ही है तो मुक्तेश्वर धाम के ऊपर ही मुक्तेश्वर शहर बसा हुआ है। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ थोड़ा रेस्ट लिया जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, चेंज कर लेंगे यहीं पे। आपको फिर से यहाँ पूजा चल रही है और यहाँ हनुमान मंदिर सामने मुक्तेश्वर महाराज जी का और राम मंदिर। हमने मुक्तेश्वर टेंपल पूरा किया, वहाँ पे शक्तिपीठ भी था और शिवलिंग भी, तो काफ़ी शांति थी वहाँ। उसके बाद अब हम जा रहे हैं चौली की जाली की तरफ। मंदिर से निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे ये रास्ता चौली की जाली को जाता है, ऐसा बताया गया है। काफ़ी नीचे को जाना है और चौली की जाली पड़नी चाहिए। धूप अच्छी खिली हुई है, बारिश नहीं है तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पेड़, कितनी हरियाली और शांति, और साथ में आप बड़े बड़े वृक्षों को भी देख सकते हैं, चीड़ के ये वृक्ष। और नीचे इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, नीचे से गिरी हुई उनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर।
ये जाली की तरफ निकले थे हम लोग, ऑलमोस्ट पहुंच गए। ऐसा कुछ दिखाई देता है। काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, बच्चों की आवाज़ भी आ रही है। होपफुली इट विल बी अ गुड रॉक टू व्यू। बच्चे ये रही चाली की जाली। नीचे खाई है मम्मी, गिरने का ट्राई कर रही है। कमेंट सुसाइड। अब कहीं नहीं जाना। ये कहाँ ऊपर जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हम तो नहीं जा रहे हैं। चलिए चलिए, लेकिन अरे तो लोग चौली की जाली पे खड़े हुए और फोटोग्राफी कर रहे हैं। और इस तरफ से कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं, राजमा चावल या चाय पी सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं, पानी वानी मिलेगा। और इधर से करके अब हम निकलेंगे तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। ये रास्ता राइट हैंड साइड पे जाएगा मंदिर की पार्किंग पे, और ये रास्ता जो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है जहाँ पे हम जाएंगे, एक KMVN रेस्ट हाउस पे जाएगा, जीरो पॉइंट भी जिसे कहते हैं। तो चलते हैं ऊपर ना बेटा, दिल्ली में। उसके बाद अगर कहीं और जाएंगे तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सुबह हम लोग उठ गए हैं और देखने जा रहे हैं पर्वत श्रृंखला, जो आप भी देख सकते हैं। वो देखिए सारे पहाड़ सिलुएट इनकी दिखाई दे रही है। Ne kadar oldu?